आप पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हरियाणा में दौरा कर रहे हैं। इस वक्त जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव, उनको लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए निकले हैं, क्या रणनीति है सर आपकी? हम आम आदमी पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को हर गांव के अंदर चुनाव लड़ाएगी। हम ब्लॉक समिति के चुनाव लड़ेंगे, हम जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा को परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। क्या रणनीति क्या है, किस तरह से लड़ेंगे आप, क्योंकि चुनाव के वक्त कैंडिडेट भी नहीं मिलते, अभी विधानसभा चुनाव आए तो इसमें उम्मीदवार नहीं मिले, तो इसमें क्या नहीं, नहीं ये कोई गलतफहमी है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ अपने संगठन का विस्तार किया है और प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका आम आदमी पार्टी यहाँ पर निभा रही है। नवीन जैन के जाने की खबर आ रही है कि वो बीजेपी में जाएंगे? देखिए, मुझे मेरे पास ऐसी कोई खबरें नहीं है, परंतु आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती के साथ इसमें लगी हुई है और नवीन जैन जी व्यक्तिगत कारणों से अभी छुट्टी। किसान आंदोलन पे क्या बोलेंगे? किसान आंदोलन इस देश का मेरी जिंदगी के अंदर इतना शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने नहीं देखा। जो अपनी फसल को बचाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार 40 दिन से 3 डिग्री के टेम्परेचर में बरसात के अंदर 80 साल के वृद्ध, युवा, महिलाएं, बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार है कि तारीख पे तारीख देती जा रही है। 40 से ऊपर लोग शहादत दे चुके हैं। केंद्र सरकार को सशर्त 4 ही बातें हटा के बिना किसी बात के तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और खट्टर साहब को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, जो इन्होंने आतंकवादी कहा, जो इन्होंने खालिस्तानी कहा, जो इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ा, जो इन्होंने चाइना से जोड़ा और इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़ी, सड़कें खुदवा दी, कंटीली तार लगा दिए, जैसे किसी दुश्मन देश के लोग देश की राजधानी की तरफ जा रहे हो। किस अहंकार के अंदर कहा था कि मैं पंजाब से हरियाणा में नहीं आने दूंगा और हरियाणा से दिल्ली के अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं समझता हूँ विधानसभा का विशेष सत्र बुला के खट्टर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो इनके विधायक तड़फड़ा रहे हैं किसानों के साथ जाने के लिए, इनके ऊपर से अंकुश हटाना चाहिए और इनको आज़ादी देनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी, जो जल्द ही पंचायती चुनाव को लेकर संगठन मजबूत करने के लिए हरियाणा में दौरे के लिए निकले हैं। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के तमाम जिलों में पंचायती चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी ये की है कि सरकार अपनी हट छोड़े, किसानों की मांगे माने। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डी।